खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देश के साथ साथ हरियाणा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन आज होगा और कोरोना पर स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति जानने के लिए मॉक ड्रिल होगा। आज और कल 2 दिन लगातार मॉक ड्रिल चलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसीलिए आज देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होगी। आज और कल 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर के ये मॉक ड्रिल आज और कल 2 दिन लगातार मॉक ड्रिल चलने वाली है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ वर्चुअली एक बैठक का आयोजन किया था और उस बैठक के बाद हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग और भी अलर्ट। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया था। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों तक अपील की जा रही है लोगों से कि सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही, और इसीलिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन ताकि तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज और कल लगातार 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कोरोना को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट और इसीलिए 2 दिन मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से भी आसानी से निपटा जा सके। उन्हीं की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, कोरोना पर स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति जानने के लिए और कमियों को पहचान करके उन्हें दूर करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और मॉक ड्रिल का आयोजन प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर। कोरोना पर स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए ये मॉक ड्रिल, आज और कल 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। देश के साथ साथ हरियाणा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम में विशेष रूप से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां और आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन होगा? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश भर में आज मॉक ड्रिल की जा रही है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधा है उनको बेहतर और मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है और बढ़ोतरी हो रही है, और उसी के साथ साथ गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो पिछले 24 घंटे में 217 कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने आ रही है, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि लगातार जहाँ पूरे प्रदेश में 400 के करीब मामले आए हैं तो वहीं पर सिर्फ गुरुग्राम की मैं बात करूं 200 से अधिक मामले सामने आए हैं, और यही एक बड़ा कारण कि लगातार गुरुग्राम में जो कोरोना के मामले हैं वो ही बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल की मैं बात करूं तो काफी अहम ये मॉक ड्रिल मानी जा रही है। आज और कल 2 दिवसीय मॉक ड्रिल रखी गई जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा को मजबूत और बेहतर करने पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा, क्योंकि लगातार क्योंकि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक भी हुई थी, उसमें करीबन 17 जो अस्पताल के प्रतिनिधि थे वो नहीं पहुंचे थे, के बाद उन अस्पतालों को नोटिस भी भेजा गया था और 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था, और उसी के चलते अब कहीं ना कहीं जिले भर के तमाम अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल रखी गई है। सबसे पहले मैं बात करूं गुरुग्राम के सेक्टर 9 ईएसआई अस्पताल में जिला उपायुक्त तो और गुरुग्राम के जो सीएमओ हैं वो पहुंचेंगे और उनकी टीम पूरी वहां पहुंचेगी, और उसके बाद सामान्य अस्पताल सेक्टर 10 में वो मॉक ड्रिल करेंगे। इसी के साथ साथ तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधा है उनको बेहतर करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस समय
मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 10 के अस्पताल में। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें कतारें जरूर लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अस्पताल का नजारा है। लोग यहाँ भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के लोग यहाँ भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन उसके पहले के जो हालात हैं, जो ये तस्वीरें हैं, कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि तमाम जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर ही लापरवाही बरती जा रही है। तो अन्य जो स्थान होंगे वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लापरवाही बरती जा सकती है। तो यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में लगातार तेजी के साथ जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो चिंताजनक सामने आई, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अब उसी को लेकर के मॉक ड्रिल का भी आयोजन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज से किया जाएगा। बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता देता हूँ 10-11 तारीख को मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग कितने अलर्ट दिखाई दे रहे हैं उसी से लेकर हर जिले में हर देश भर में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें जो कागजी की जो कार्रवाई होती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, आईसीयू बेड की कमी, एम्बुलेंस की कमी, या कोई रेडिस में जो दवाई होती है उन्हीं को कमी को देखते हुए कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, इसको लेकर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम वहाँ पर किया जाएगा। तो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाता है जो लोग हैं लापरवाही बरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि जो एडवाइजर जारी की है कि जिस तरीके से जो अन्य जो 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर मास्क लगाना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अभी जो लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, तो लगातार जिस कारण कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कल की बात करें, कल 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए, जिनमें से 262 है वो टोटल केस हो गए, जिनमें 7 जो केस है वो अस्पताल में भर्ती कर गए और कहीं ना कहीं 255 होम आइसोलेशन पर रखे गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी को लेकर के मॉक ड्रिल का भी आयोजन, ताकि तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनका भी पता चल सके।